हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है मेरे सारे भाई बहुत अच्छे होंगे। भाई आज की वीडियो हम दिखा रहे हैं योद्धा का थर्ड राउंड। भाई किंग कॉन्ग की टर्बो फिट करने के बाद योद्धा की पावर, मतलब मजा ही आ जाएगा। बस ऐसे किया है इधर और उधर, बस मतलब मैच बहुत लंबा नहीं है, पर ट्राई ट्रूई लेके हमने लंबा, मतलब वो ट्राई ले रहा था, कहता नहीं मेरे से क्लच में, कहा दोबारा देख ले दोबारा देख ले। तीन चार बार किया, पर जब उसने देखा नहीं भाई ये तो बात ही नहीं। पर भाई किंग कॉन्ग की टर्बो के बाद तो पावर क्या लगाई है योद्धा ने, मजा ही आ गया। पर इस टूर्नामेंट में परेशान बहुत हुए हैं भाई हम, मतलब एक भी मैच अच्छे से नहीं निकला। और जो मैच में मतलब किंग कॉन्ग की टर्बो लगाने के बाद ठीक सुटेबल हुई चीजें, तो उसके बाद कमेटी वालों ने और वो जो भाई थे जिसके साथ काले ने एंट्री की थी पलवान ग्रुप, उन्होंने मतलब मिलके फिर उसके बाद, तो चलो कोई बात नहीं, उस बात का दुख नहीं है। हमारे योद्धा की परफॉर्मेंस जबरदस्त है, जो भाई योद्धा को प्यार करते हैं उनको मजा आ जाएगा, कोई बात नहीं है। वो चीज इग्नोर करके मैच इंजॉय करो। लव यू ऑल दोस्तों। इसके बाद अगली वीडियो मिस मत करना फोर्थ राउंड की, उसमें क्या ही बहुत लंबा मैच चला है, मजा ही आ जाएगा देख के आपको। लव यू ऑल दोस्तों अगेन। अपना अपना ध्यान रखो भाई। पता नहीं भाई इस टूर्नामेंट में क्या ही दिक्कत हुई है, एक भी मैच अच्छे से सही नहीं गया। और जबकि इस टूर्नामेंट में तो हम पहले से ही बहुत तैयारी करके लेके गए थे, पंप का और टर्बो का काम बिना, जबकि कोई प्रॉब्लम इतनी थी नहीं। हम उसके बाद भी बुश वगैरह सर्विस अच्छे से करवा के लेके गए थे, कि कोई दूर टूर्नामेंट है और वहां का इतना पता नहीं है, और अच्छे से पहले ही सब कुछ ठीक ठाक करवा लेते हैं, टूर्नामेंट के बीच में कोई दिक्कत ना आए। पर मेरे भाई पता ही नहीं, अब की बार तो एक भी मैच अच्छे से नहीं निकला। फर्स्ट मैच में एंटर किया तो भाई हाउस पाइप पटके टर्बो सीज मार गई, वो मैच इसलिए देना पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, वो तो वही बात है, वो मैच वैसे भी हमारा बैलेंस नहीं था फर्स्ट मैच में, वो कोई बात भी नहीं थी वैसे। तो लास्ट वीक किंग कॉन्ग ही काम आया हमें, हमने इससे उधार ले ली। मैं अभी तू अपनी टर्बो दे दे, एक बार जो बीट करके दिखाते आपको। ये खोल दिया सब भाई, खोल तो ली थी हमने ये सोच के कि सेम फिटिंग होगी, बट इसकी फिटिंग भी अलग है। ये देखो जो ये वाली पत्ती है और ये वाली फिटिंग है, अलग है, समझ नहीं आ रहा चेंज कैसे है। उसके बाद ये मॉडिफाई किया शायद, इसमें चेंजिंग कर दी उन्होंने कुछ। चलो अभी एक बार तो ये टूर्नामेंट का काम चल जाए, उसके बाद तो खोल के ये तो किंग कॉन्ग में लगाएंगे वापसी से। इसमें जो पहले लगा रखे है वही लगा देंगे, इसमें नहीं लगा के एक बार फिटिंग करते हैं, खुद से ही लगे पड़े हैं, करके दिखाते हैं। कई जगह लग गए छोटे छोटे काम आएगा। इस खुंटी बोल रहा है सिंपल पैच गिर ले भाई, एक सिंपल पैच लिम्मा दुकान देता है वो गिर ले, खुंटी खोल ले इसकी और नगे लगा इधर थोड़ा बैंड कर खोल सी ले देता है। लो भाई देख ले, सर आंख में नहीं आ रही, अब बीड़े कौन पाया, बीड़े कौन पाया पता लग जाएगा। ऊपर उठेगी दबनी रही भाई। भाई करिए स्टार्ट, रेस नॉर्मल।
देखो भाई फिटिंग अच्छे से नहीं हुई और बिना साइलेंसर के ऐसे ही मतलब जैसे लगा रखे ऐसे ही मैच किया हमने। मतलब कितना रिस्की था देखो, इधर से सीधा टंकी है पर हम चले गए, उसके बाद हमने लास्ट में ये मैच करने के बाद साइलेंसर की फिटिंग की है क्योंकि वह मैच बहुत ज़रूरी था, फिर ऐसे बीच में छोड़ नहीं सकते। उसके बाद फोर्थ राउंड में जो टाइम मिला उसमें हमने साइलेंसर की फिटिंग करवा दी लास्ट में। किंग कॉन्ग का टोटन जैसी भी गला भाई है बड़ा प्रणय है।